स्टूडेंट, आज बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत फर्स्ट पेपर रिलेटिविटी की बात करेंगे, इसमें कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे और साथ में क्या करेंगे, लॉरेंट के समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हेडिंग हमारी है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है ये देखिए, जो हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पासुलेट की सहायता से समीकरण स्थापित करेंगे। यहाँ पर क्या है, जो रिलेटिविटी के पासुलेट हैं उनका उपयोग करेंगे, उनकी सहायता से क्या करेंगे, यहाँ पर लॉरेंट इक्वेशन ज्ञात करेंगे। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तीन पासुलेट हैं, इसमें कि पहला पासुलेट ये है, ये कहता है कि जितने भी इनर्शियल फ्रेम होंगे, चाहे वो रेस्ट फ्रेम हो, चाहे एक समान वेग से गतिशील हो, उन सभी के लिए फिजिक्स के नियम समान रूप से लागू होंगे। ये क्या है, ये पहला रिलेटिविटी का पॉसुलेट्स है। दूसरा पॉसुलेट क्या है, निर्वात में सभी फ्रेमों, सभी इनर्शियल फ्रेमों की चाल समान होगी। तीसरा जो पॉसुलेट्स है वो ये है कि प्रत्येक फ्रेम के लिए समय अलग अलग होगा। अगर रेस्ट फ्रेम है उसका फ्रेम, उसका समय अलग होगा, अगर एक समान वेग से गतिमान है तो ये फ्रेम अलग होगा। इन तीनों पॉसुलेट का उपयोग क्या करेंगे, इस लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में आवश्यकता पड़ने पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या सहायता से समीकरण स्थापित करेंगे। माना फ्रेम एस में ली गई मापें फ्रेम एस डैश में ली गई मापों के अनुक्रमान पाती है, क्योंकि फ्रेम एस हमने पहले ही बताया था क्या था, रेस्ट फ्रेम है, और जो हमारा एस डैश है वो क्या है, वो जो है फ्रेम एस के सापेक्ष गतिमान है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि दोनों के बीच में एक संबंध है, यानी क्या है कि जो फ्रेम जो एस डैश में लिया गया इनके अनुपातिक है, यानी कि जो एक्स डैश के मापे हैं ये इसकी समानुपाती होंगे। जब समानुपाती का निशान यहाँ पर हटाएंगे तो क्या किया, हमने कॉन्स्टेंट लगा दिया। ये कॉन्स्टेंट क्या है, ये कॉन्स्टेंट है गामा, तो हमने क्या किया यहाँ पे कॉन्स्टेंट गामा का उपयोग कर दिया, यानी एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस बी टी, ये संबंध दोनों के बीच में है कि अनुपाती है। ठीक, समीकरण नंबर एक बन गया। अब देखिए पॉसुलेट फर्स्ट के अनुसार फिजिक्स के नियम एस वाई एस डैश फ्रेम पर समान रूप से लागू होते हैं। हमने शुरुआत में बताया कि कोई भी फ्रेम हमारा होगा जो इनर्शियल फ्रेम है उसमें फिजिक्स के नियम समान रूप से लागू हो, चाहे वो रेस्ट फ्रेम हो, चाहे वो एक समान वेग से गतिशील फ्रेम हो, कितने भी फ्रेम होंगे सब में फिजिक्स के नियम समान रूप से लागू होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, समान रूप से लागू होंगे, अतः x डैश व t डैश के पदों में x का मान समीकरण इक्वेशन फर्स्ट के अनुरूप होगा, पर b के स्थान पर माइनस बी होगा। अंतर क्या करते हैं, जो पिछला हमने निकाला है जहां पर माइनस बी है वहां पर क्या हो जाएगा, जहां पे माइनस बी था वहां पर प्लस बी हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा गामा x डैश प्लस b t डैश। यहां पर क्या है, जो माप ली गई है वो x डैश फ्रेम पे ली गई है, x फ्रेम पर ली गई, ये हमारा क्या हुआ समीकरण नंबर दो बन गया। अब देखिए समय टी व टी डैश समान नहीं है पॉसुलेट थर्ड के अनुसार। हमने पॉसुलेट थर्ड के अनुसार बताया था प्रत्येक इनर्शियल फ्रेम का समय अलग अलग होता है, क्योंकि कोई फ्रेम हमारा क्या है, रुका हुआ फ्रेम है, कोई एक समान वेग से गतिशील फ्रेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी व टी डैश समान नहीं है। देखिए यहाँ क्या किया, जो हमारा समीकरण दो था उसमें हमने क्या किया, एक्स डैश का मान रख दिया, यानी कि x बराबर गामा, जब x डैश का मान रखे ऊपर से तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा गामा गामा x माइनस बी टी प्लस बी टी डैश, हमने यहाँ पे रख दिया। इसके बाद गामा को क्या किया, हम अपॉन में ले गए, क्या किया अपॉन में ले गए, तो ये हो जाएगा x अपॉन गामा, x अपॉन गामा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गामा x, इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस गामा बी टी प्लस बी टी डैश। ठीक है, ये ब्रैकेट हटा देंगे यहाँ पर। इसके बाद क्या किया, हमने टी डैश का मान निकाला है, टी डैश का जो मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन गामा बी, ये वाला पद इस साइड जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस गामा एक्स डैश अपॉन बी प्लस गामा टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, इसको जो हमने रीअरेंज किया तो रीअरेंज करने पर इसका मान हमारा यहाँ पर ये प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने क्या किया, टी डैश बराबर गामा टी माइनस गामा एक्स अपॉन बी, हमने क्या किया गामा एक्स अपॉन बी क्या किया, हमने यहाँ पर
कॉमन ले लिया, कॉमन जब ले लिया तो यहाँ पर क्या हो गया, वन माइनस वन अपॉन गामा स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया ब्रैकेट में आ गया। जब ये हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा बाहर हो जाएगा माइनस गामा एक्स अपॉन बी, और हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा। समीकरण नंबर 3 हमारा क्या हुआ, टी डैश बराबर गामा टी माइनस गामा एक्स अपॉन बी वन माइनस, ये हमारा हो गया वन माइनस वन अपॉन गामा स्क्वायर। इसी प्रकार क्या करेंगे, हमने टी डैश का मान निकाला, अगर हम टी का मान निकालेंगे तो इसी क्रम में जहां पर बी था वहां पे माइनस बी करेंगे, यहां पे माइनस बी हो जाएगा तो प्लस बी हो गया, यानी यहां पर क्या हो गया टी बराबर टी डैश प्लस गामा एक्स डैश अपॉन बी वन माइनस वन अपॉन गामा स्क्वायर, ये समीकरण नंबर हमारा 4 हो गया, समीकरण नंबर 4 हो गया। अब क्या करना है हमें, देखिए दोनों में गामा आ रहा है, यहाँ पे भी गामा आ रहा है यहाँ पे, हम क्या करें इस गामा का मान निकालेंगे। जब हम इस गामा का मान निकालेंगे तो गामा का मान पॉसिलेट सेकंड से ज्ञात करते हैं, क्योंकि प्रकाश की चाल सभी इनर्शियल फ्रेम के लिए समान है। क्या करेंगे, प्रकाश की चाल की बात करेंगे, प्रकाश की चाल सभी फ्रेम के लिए समान है। देखिए दो फ्रेम ने लिए हैं, यहाँ पे एक एस फ्रेम एक एस डैश फ्रेम, और हमने पहले भी बताया था कि फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश क्या है, अगर टी बराबर टी डैश इक्वल टू जीरो हो जाएगा उस समय क्या हो जाएगा, जो हमारा बिंदु ओ है वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्सिडेंट हो जाएगा, यानी कि बिंदु ओ से ही ओ डैश की उत्पत्ति हुई, अतः एस वन एस डैश में प्रेक्षित स्थितियां निम्नलिखित होंगी। देखिए यहाँ पे फार्मूला फिर लगाया गया, चाल बराबर दूरी बटे समय, उसका उपयोग किया गया है, तो यहाँ पे क्या दूरी बराबर चाल इंटू समय, यहाँ पर चाल क्या लेगी प्रकाश की चाल लेगी, समय हमारे पास क्या है टी, दूरी हमने क्या ली एक्स ली, ये किस पे लिया गया, ये लिया गया है फ्रेम एस पे। इसी प्रकार क्या करें, जब एस डैश फ्रेम पर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स डैश बराबर सी इंटू टी, क्योंकि प्रकाश की चाल क्या फ्रेम एस हो क्या एस डैश सब में समान होगी, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जो है एक्स डैश बराबर सी टी डैश दिया गया है। अब देखिए क्या किया गया है, हमने यहाँ पर इसका मान निकाल लिया, इन मानों को समीकरण नंबर 1 और 2 में रख देंगे, समीकरण 1 और 2 में मान रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सी टी डैश गामा टी सी माइनस बी। देखिए आप क्या किया है, जो समीकरण नंबर हमारा 1 था हमने यहाँ पे क्या है एक्स डैश बराबर क्या था सी टी डैश लिख दिया, इसके बाद इसके अलावा क्या है यहाँ एक्स बराबर सी टी रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी सी टी कॉमन ले लिया और यहाँ ब्रैकेट में आ गया सी माइनस बी। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, जब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी टी बराबर गामा टी डैश और ब्रैकेट हो जाएगा सी प्लस बी, क्योंकि इस वाले में प्लस आ रहा है और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे टी कॉमन है यहाँ पे टी डैश कॉमन, दोनों समीकरण में हमने क्या किया, जो हमारा मान था सेकेंड पॉसिबिलिटी की सहायता से निकाला था उस मान को हमने यहाँ पर रख दिया। जब इस मान को यहाँ पर रखेंगे, रखने के बाद एक सी टी डैश और एक सी टी, ये मान हमारा प्राप्त हुआ। जब ये मान प्राप्त होगा हमारा यहाँ पर उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें गामा का मान चाहिए, इसका मान चाहिए गामा का मान चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों मानों को जब मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में करेंगे राइट साइड में करेंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड में टी टी डैश आ रहा है, ये आपस में क्या हो जाए कैंसिल हो जाए कट जाएगा, जब कट जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ से गामा का मान निकालेंगे, गामा बराबर क्या आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो गामा स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे सी स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे और इससे जब गामा निकालेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया हमारा गामा का मान प्राप्त कि गामा हमारा क्या था एक नियतांक था, इसका उपयोग कब किया था जब हमने कहा यह अनुपातीय है, ये क्या है एक कॉन्स्टेंट है। अब देखिए जो गामा का मान प्राप्त हो गया क्योंकि हमारे दोनों मानों में गामा का मान दिया हुआ था, इस गामा के मान को क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में रख देंगे, तो समीकरण 1 और 2 में रख देंगे क्योंकि रिलेशन था बाहर गामा लग रहा था हमने गामा का मान वन अपॉन में आ रहा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, जब अंडर रूट में हमारा मान आ रहा था हमने यहाँ पे मान रख दिया एक्स डैश बराबर एक्स माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमारा मान आ जाएगा x बराबर x डैश प्लस बी टी डैश अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दोनों को मिला के समीकरण नंबर 6 कहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ x डैश का मान निकाल लिया और x का मान निकाल दिया, और हमने पहले ही बताया था x डैश क्या है, जो फ्रेम s डैश में लिया गया मान है और जो x है
ये फ्रेम है इसमें दिया गया मान, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पर क्या क्या करना है, टी डैश का और टी का मान और निकालना, क्या करना है टी डैश और टी का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, पुनः गामा का मान हमने क्या किया, वन माइनस वन अपॉन गामा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस प्रकार से, क्योंकि ये हमारा ब्रैकेट में मान यहाँ पे आ रहा था, हमने क्या किया इस मान को बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेके समीकरण तीन और चार में हमने मान रख दिया, क्योंकि समीकरण तीन चार में दोनों में हमारे कॉमन आ रहा था, ब्रैकेट में था वन माइनस वन अपॉन गामा स्क्वायर, दोनों में हमारे कॉमन था, हमने क्या किया यहाँ पे मान रख दिया टी डैश बराबर गामा टी माइनस गामा एक्स अपॉन बी ब्रैकेट में बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, फिर हमने टी कॉमन ले लिया तो गामा बराबर टी माइनस एक्स बी अपॉन सी स्क्वायर, ऐसे ऐसे इसको हमने टी डैश बराबर निकाला, गामा का मान हमें पहले से मालूम था, हमने निकाल लिया था, उस गामा के मान को हमने यहाँ पे रख दिया। जब गामा के मान को यहाँ पर रख देंगे तो टी माइनस एक्स बी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार जब टी निकालेंगे तो टी क्या हो जाएगा, टी बराबर टी डैश प्लस एक्स डैश बी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये दोनों मिला के समीकरण नंबर सात में। देखिए जो भी परिवर्तन हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा था, तो यहाँ पे एक्स डैश का मान निकाल लिया, वाई डैश बराबर वाई हो जाएगा और जेड डैश बराबर जेड हो जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर आठ है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो समीकरण नंबर हमारा छः है, समीकरण नंबर सात है, समीकरण नंबर आठ है, ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाएंगे, इसमें कि हमने यहाँ पर इसका मान प्राप्त किया, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो यहाँ पर जो भी पार्ट के ले रहे हैं, वस्तु ले रहे हैं, उसका वेग प्रकाश में वेग के समकक्ष है। यदि प्रकाश का वेग, यदि कण का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम होगा, उस समय क्या हो जाएगा, जो हमारी लॉरेंट इक्वेशन है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, गैलीलियन इक्वेशन में परिवर्तित हो जाएगी, और अतः तब तक बहुत बड़े वेग ना हो, इस वजह से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत भी प्रभावित है, यानी इस वजह से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत जो है वो उस समय लागू होता है जब वेग अधिक होता है, कम वेग में ये सिद्धांत भी लागू नहीं होता है। इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर में लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में बताया, आगे इसी कड़ी को हम कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।